यूपी के रामपुर में तेज रफ्तार से जा रही स्कॉट पुलिस की गाड़ी से ई रिक्शा टकरा गई। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल, साथ ही पुलिस के जवान भी घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस के जवान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख की सुरक्षा में तैनात हैं। ड्यूटी पर वापस जा रहे थे कि पुलिस के जवानों ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। कोतवाली शहर क्षेत्र के तोपखाना के पास की घटना। सूचना पर एएसपी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं कुछ लोगों को हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। अभी जैसे मालूम चला है, गाड़ी आ रही थी यहाँ जिप्सी, उधर से ई रिक्शा आ रहा था। ई रिक्शा रॉन्ग साइड था, उसको बचाने के चक्कर में जिप्सी की टक्कर भी हुई उससे और जिप्सी पलट भी गई। अच्छा। और पलटने के बाद काफ़ी नुकसान हुआ है जिप्सी का भी, और जो चालक था ई रिक्शा का उसको भी चोटें आई हैं। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और इसके अलावा फिर मामले की जांच की जा रही है। तो क्या पब्लिक में भी कुछ पुलिस की हाथापाई हुई है कुछ? हाँ, मालूम चला है कि कुछ पब्लिक के लोगों ने जिप्सी की तोड़फोड़ की है, उसकी जाँच कर रहे हैं। जिप्सी पे जो सिपाही थे उन्हें उनके भी चोटें आई हैं? चोटें आई हैं, कुछ कुछ गंभीर चोटें हैं या अभी फिलहाल ज़्यादा जानकारी है नहीं मुझे, लेकिन जो भी चोटें हैं उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। तो क्या सर, रिक्शे की टक्कर से जिप्सी पलट गई थी? उसको बचाते बचाते जिप्सी पलट गई, क्योंकि आप लोग खुद ही देख रहे हैं जिप्सी की क्या हालत है, तो मालूम चल रहा है जिप्सी को देख के ही। लाठी चार्ज भी हुआ है क्या पब्लिक पे? लाठी चार्ज तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, गाड़ी जो चल रही थी सिक्योरिटी में किसी मंत्री के सिक्योरिटी की थी या किसी? हाँ, हाँ, औलख जी की जिप्सी, ये सिक्योरिटी में थी जिप्सी। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, जो रिक्शे वाला इंजर्ड है उनका लोगों का कहना है कि लाठी चार्ज किया गया था? लाठी चार्ज नहीं, जो यहाँ पे भीड़ एकत्रित हो गई थी उसको हटाने के लिए पुलिस यहाँ जो भी मिनिमम बल का यूज की होगी वही की होगी, लाठी चार्ज नहीं। तो सर, भीड़ की किसी गिरफ्तारी वगैरह भी हुई? गिरफ्तारी संभवतः हुई है, जो भी भीड़ में उपद्रव कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। कितने लोग? अभी मुझे जानकारी नहीं है, मैं अभी थाने जा रहा हूँ। सर, उसमें कुछ लोगों को बेगुनाह भी बिठा लिया, कुछ लोग काम से जा रहे थे। अब ये तो विवेचना का पार्ट है ना, अब आप यहीं पे विवेचना कर लें, फिर हमारी जरूरत ही नहीं है। ठीक है। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050110009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।